सो गाइस, क्या आपके भी पोको M2 प्रो में या M2 में आ रही है डोंट कवर दी ईयरफोन एरिया की प्रॉब्लम? सो गाइस, घबराइएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 100% इसका सलूशन मैं देने वाला हूँ। बस गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए मैं बता देता हूँ पहले इसका सोल्यूशन, उसके बाद गाइस मैं ये भी बताऊँगा कि ये क्यों होता है। सो गाइस, बस आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। पोको M2 प्रो हो या M2 हो या फिर कोई रेडमी का फ़ोन हो, कोई सा भी हो, आपको सेटिंग अपने फ़ोन की ओपन कर लेनी है। और सेटिंग ओपन करने के बाद सबसे ऊपर हर MI के फ़ोन में, पोको के फ़ोन में, ये रेडमी के फ़ोन में, हर MI के फ़ोन में ये ऑप्शन होता है सर्च बार का ऊपर। आपको यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करके सर्च कर लेना है पॉकेट, ठीक है। जैसे आप पॉकेट सर्च करेंगे यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको शो होंगे। सबसे ऊपर जो दिखेगा लॉक वाला लोगो बना हुआ आइकॉन, लॉक वाले आइकॉन पर आपको क्लिक कर लेना है, लॉक स्क्रीन अंदर वाले ऑप्शन पे। जैसे आप ओपन करेंगे वहाँ पर काफ़ी सारे आपके सामने अगेन ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा नीचे के लिए स्वाइप करना है और यहाँ पर सबसे नीचे जो कि नीचे से ऊपर जो है पॉकेट मोड का जो ऑप्शन दिखता होगा, इस वाले ऑप्शन आपके में खुला होगा, तो उसको आपको ऑन ऑफ कर देना है, ठीक है। ऑफ करने के बाद गाइज आपका ये प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व हो जाएगी। आप चलिए पहले ये बता देता हूँ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम लग रही है तो गाइज ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पॉकेट मोड होता है, इसलिए होता है। अगर आप गाइज अपने फ़ोन में या गर्ल्स लोग जो होती हैं अपने पॉकेट पर्स में जो रखती हैं या फिर आपके अपनी जेब में रखते हैं, उसमें कुछ की वगैरह भी रखते होंगे आप, या फिर कोई काम की चीज़ रखते होंगे, जैसे कि कुछ भी हो गया, तो अगर अपने आप आपका फ़ोन टच करता है तो गाइस आपको इस ऑप्शन जैसे आप ओपन कर लेंगे, उसके बाद अपने आप कोई भी एप्लीकेशन अपने आप या कोई भी फंक्शन अपने आप वर्क नहीं करेगा, इसलिए होता है। और कुछ कुछ फ़ोन में जो गाइस आपको ये कुछ करते भी नहीं, अपने आप वर्क होने लगता है, तो उसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। तो गाइस इसका पहले मैं बता देता हूँ ये वर्क कहाँ से करता है। जो आपके फ्रंट कैमरा होता है अपने फ़ोन का, कोई सा भी MI का फ़ोन हो, उसमें पास में एक सेंसर होता है गाइस। उस सेंसर में अगर धूल वगैरह लग जाती है, किसी चीज़ से ढक जाता है ना, उसके ऊपर कोई भी चीज़ रख दो या फिर ऐसे के फ्लैट करके आपको अपने ज़मीन में रख दो या किसी भी चीज़ के ऊपर रख दो, तो गाइस अपने आप वर्क करने लगता है। और कोई कोई कहीं कहीं ऐसा होता है कोई ज़्यादा मोटा कपड़ा चढ़ा देता है जो आगे तक आता है, जो उसे ढक लेता है, या फिर धूल वगैरह लग जाती है, या फिर पन्नी वगैरह, अगर आपने पन्नी चढ़वा कर रखी है, लेमिनेशन करवा कर रखा है फ़ोन के ऊपर, तो उसकी भी पन्नी हो सकती है इसमें लग गई हो। तो गाइस आपको जो फ्रंट कैमरा का एरिया होता है पूरा को आपको उसको क्लियर कर लेना है, उसके बाद जो मैंने आपको बताया है पॉकेट मोड को उसको जाकर आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद गाइस आपकी ये प्रॉब्लम 100% हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। और गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, बहुत छोटी ही वीडियो थी गाइस, मैंने सोचा बना दूँ भाई, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजिटिंग माई चैनल।